नाम बताइए। मैं राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार। आज किस संबंध में डीएम साहब को ज्ञापन दिया? आज जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आया था, मीटिंग चल रही थी। आज दिनांक जो है 12 अगस्त 2024 और दिन सोमवार है। मीटिंग से जैसे ही बाहर निकले हैं, 1:05 पर जो है मीटिंग 1:00 खत्म हुई है, 1:05 पर बाहर आए हैं। तो ये प्रार्थना पत्र मैंने दिया है, तो इसमें जो है 14 अगस्त को मैं अम्बेडकर पार्क, जिला आजमगढ़ के अम्बेडकर पार्क, सीधा कलेक्टर साहब के बंगले के सामने जो है, ऑफिस के सामने ठीक जो है अम्बेडकर पार्क है, उसमें जो है एक दिवसीय अनशन हमारे द्वारा किया जाएगा, मेरी पत्नी और मेरे द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा किया जाएगा। भारत राष्ट्र की 48 क्रमवार बिंदुओं की मांगों को लेकर जो हम संघर्षशील हैं कई वर्षों से, लगभग मुझे और अपने परिवार को लेकर जो है, भारत के राष्ट्र हितों की और अधिकारों की लड़ाइयों को जो है लेकर जो है, आजमगढ़ के विकास को लेकर, जो तमाम तरह की जो है राष्ट्र के विकास को लेकर, जो है राज्य के विकास को लेकर जो है हम जो है मांगे लड़ रहे हैं, उसमें कितने कार्य हुए हैं जो सरकारों ने जो है उसका आज तक जो है किसी भी सरकारों ने और कोई भारत सरकार ने जो है, ना माननीय राष्ट्रपति जी ने जो है, ना महामहिम राज्यपाल जी ने, ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी ने भी आज तक जो है इस बात का जानने का प्रयास नहीं किया है कि किसने कार्य किया है। उन्हीं सब कार्यों को लेकर जो है 48 क्रमवार के जो भारत की जो दुख हैं, उन बिंदुओं को लेकर जो है हम अम्बेडकर पार्क में जो है एक जैसे अनशन करेंगे। सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, शांतिपूर्वक किया जाएगा और यह संदेश जो है भारत सरकार को पहुंचाया जाए, यही सब चीज़ों को जो है लेकर।